हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिवम पुरी है। आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि क्लास टेंथ के अंदर एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है रिटेल, और उसी सब्जेक्ट की आज हम 28th लेक्चर वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। बच्चों, हमने शुरू किया हुआ है यूनिट 2 रिटेल स्टोर ऑपरेशंस, जिसके अंदर हमारे आते हैं 4 सेशन। सेशन 1 फंडामेंटल्स ऑफ रिटेल ऑपरेशंस, सेशन 2 चेक द लेवल ऑफ स्टॉक ऑन सेल, सेशन 3 रिस्पोंड एंड कम्युनिकेट टू कस्टमर्स, सेशन 4 कैटेगराइज रिटेलर्स। बच्चों, हमने शुरू किया हुआ है सेशन 1 फंडामेंटल्स ऑफ रिटेल ऑपरेशंस। जैसे कि आप लोग सब देख सकते हैं इस इमेज में कि एक तरफ है रिटेलर और उसके पास सामान खरीदने कौन आया है, बिल्कुल ठीक, कस्टमर। बच्चों, मुझे पता है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही समझना होता है, इसलिए आपको नोट्स हिंदी इंग्लिश में भी अवेलेबल होंगे इसी वीडियो में। सत्र 1 खुदरा संचालन के आधार। शुरू हम करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। व्हाट इज मटेरियल हैंडलिंग एक्टिविटीज, या हम बोलेंगे और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग, सामग्री हैंडलिंग गतिविधियाँ या सामग्री हैंडलिंग के उद्देश्य क्या हैं। ठीक है, जब एक्टिविटीज आ जाए या ऑब्जेक्टिव्स आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, शुरू हम करते हैं अपने आंसर के साथ। बेसिकली देयर आर 3 हैंडलिंग एक्टिविटीज, रिसीविंग, इंस्टॉल हैंडलिंग एंड शिपिंग। मूल रूप से 3 हैंडलिंग गतिविधियाँ हैं। अब आप गतिविधियाँ बोलें या आप उनको बोल सकते हैं उद्देश्य, ठीक है, वो है प्राप्त करना, इन स्टोर हैंडलिंग या फिर शिपिंग। ठीक है, हम एक ही पॉइंट के थ्रू समझते चलेंगे। रिसीविंग यानी प्राप्त करना। व्हेन मटेरियल रीचेज द स्टोर, इट इज रिसीव्ड बाय द स्टोर ऑपरेशंस असिस्टेंट। द बेसिक ड्यूटी ऑफ द स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट इज अनलोडिंग द गुड्स फ्रॉम द ट्रक और ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल। जब सामग्री स्टोर तक पहुँचती है तो ये स्टोर संचालन सहायक द्वारा प्राप्त किया जाता है। स्टोर संचालन सहायक का मूल कर्तव्य ट्रक या परिवहन वाहन से माल उतारना है। ठीक है, तो बड़ा कुछ इस बातों से आपको क्लियर हो चुका है कि रिसीविंग है क्या। ठीक है, जरा उसको हम समझते हैं एक इमेज के थ्रू। अब ये देखिए कि जो स्टोर के अंदर जो सामान आता है, ठीक है, ट्रक के थ्रू, तो उसको सामान को वो जो उतारना है ना, रिसीव कर रहे हैं सामान को, तो वो उतार रहे हैं, अनलोडिंग कर रहे हैं, ये जो है ये एक एक्टिविटी है। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है रिसीविंग, यहाँ पर वो रिसीव कर रहे हैं गुड्स को। ठीक है, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, इन स्टोर हैंडलिंग प्रोसेसेस ऑफ कैरिंग मटेरियल विद द हेल्प ऑफ इक्विपमेंट सच एज क्रेन्स, मूविंग ट्रक्स, स्लिंग्स, पैलेट जैक, फॉकलिफ्ट्स एसेट्रा। ठीक है, उपकरण की सहायता से सामग्री को ले जाने की प्रक्रिया, जैसे कि क्रेन, चलते ट्रक, स्लिंग, पैलेट जैक, फॉकलिफ्ट आदि। अब स्टोर को हमने रिसीव कर लिया, ट्रक से सामान को उतार लिया, अब उसको उतार के स्टोर में भी तो लेके जाना है। अब उसको जो लेके जा रहे हैं उसको बोलते हैं इन स्टोर हैंडलिंग। अब ये सामान को जो उठा के लेके जा रहे हैं उसको रखेंगे कहीं पर, लेकिन रखने से पहले उसको जो हम लेके जा रहे हैं, मैंने बात यहाँ पर की है क्रेन्स की, मूविंग ट्रक्स की, स्लिंग्स की। ठीक है, तो उसको जो शॉप तक लेके जाना है अंदर, वो हम इनकी सहायता से भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है वो स्टोर कितना बड़ा है। अगर आपका सुपर मार्केट, हाइपर मार्केट स्टोर है, तो ऑब्वियसली बात है आपके वो जो स्टोर के अंदर बैकडोर स्टोर के अंदर आपके पीछे वहाँ पर मूविंग ट्रक्स भी होंगे। ठीक है, पैलेट जैक्स होंगे, फॉकलिफ्ट रखे होंगे आपने। ठीक है, जहाँ पर आप सामान को ईजिली इफेक्टिवली आप इफेक्टिव मटेरियल हैंडलिंग के थ्रू सामान को जा सके, जहाँ पर समय की बचत हो। ठीक है, तो ये होता है इन स्टोर हैंडलिंग। पहले रिसीव हो गया, ट्रक से सामान को उतार दिया, अब उतारने के बाद उस सामान को स्टोर के अंदर लेके गए हम। ठीक है, अभी लेके गए हैं सामान, हमने पकड़ के रखा है, अब हम बात करेंगे उसको हम शिपिंग की। ठीक है, अब शिपिंग का मतलब क्या है। व्हेन द गुड्स आर बीन सोल्ड टू द कस्टमर, द बेसिक ड्यूटी ऑफ द स्टोर ऑपरेशन सिस्टम इज टू लोडिंग द गुड्स इन टू द कस्टमर व्हीकल और ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल। जब सामान ग्राहक को बेचे जाते हैं तो स्टोर संचालन सहायक का मूल कर्तव्य ग्राहक वाहन या परिवहन वाहन में माल लोड करना है। ठीक है, पहला कार्य है जो सामान आया उसको रिसीव करना। अब जो आखिरी वाला जो है, बीच वाला हो गया, सामान को उतार दिया, उसके बाद उठाया और स्टोर में रखा। अब उसके बाद कस्टमर आ गया आपके पास, उसने बोला कि मुझे ये सामान खरीदना है,
अब उसके ट्रक में सामान को चढ़ाना यानी कि लोड करना इज शिपिंग, तो अनलोडिंग इज बाय रिसीविंग को समझिए आप, ठीक है, और शिपिंग मतलब सामान को चढ़ाना ट्रक में, फिर से सामान को चढ़ाना, ठीक है, वो हो गया शिपिंग। तो स्टोर से सामान निकला और उसको ट्रक में चढ़ा दिया, ठीक है, तो ये हो गया शिपिंग। तो ये तीन एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, इफेक्टिव हैंडलिंग के, कि सामान को रिसीव करना, उसको स्टोर में रखना, और स्टोर में रखने के बाद जो कस्टमर उसको जब ऑर्डर प्लेस करता है तो उसके ऑर्डर को उठा के फिर से जब उठाएंगे फिर प्रोसेस शुरू हो जाएगा इन स्टोर हैंडलिंग, और उसके बाद जब चढ़ाएंगे तो हो जाएगा शिपिंग, ठीक है। तो ये तीन एक्टिविटीज़ रहती हैं। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन ड्यू लाइक इट, सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।